सभी को मेरा हेलो, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती और आप देख रहे हैं फिल्मी चुस्की। तो अब मैं बताती हूं आपको बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी 2। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी स्टारर नई फिल्म बागी 2 पहले दिन से ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने पैडमैन और रेड को भी पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 18 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 102 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ओवरसीज में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। क्या आपको पता है एक्स फ्लेम्स रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ब्रेकअप के बाद पहली बार एक मेगा प्रोजेक्ट में साथ दिखने वाले हैं। एक्स लवर्स दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इनके फैंस को खूब भाती है। तो दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के फैंस तैयार हो जाइए इनके इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप इन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने के सपनों में जाएं, हम आपको बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट किसी फिल्म का नहीं है। जी हाँ, फिलहाल ये एक्स कपल किसी फिल्म के लिए साथ नहीं आने वाले हैं, बल्कि ये साथ आ रहे हैं मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के मिजवा कलेक्शन के लिए। तो सपना चौधरी के फैंस उनके ठुमकों के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वो लगाने वाली है ठुमके अभय देओल के साथ। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी ये स्टार अब स्टेज शो से निकलकर बड़े पर्दे पर पहुंच चुकी है। सपना चौधरी और बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल पर फिल्माया गया गाना तेरे ठुमके रिलीज हो चुका है। ये गाना फिल्म नानू की जानू का है। इस गाने में सपना चौधरी अपने देसी अवतार में दिख रही है। गाने के बोल भी हरियाणवी है। सपना चौधरी अभय देओल के साथ अपने पुराने अंदाज में ही दिख रही है। नानू की जानू का ये पहला गाना है जिसे रिलीज किया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस रीटा चैटर्जी ने यूट्यूब में मचाई धूम। क्वीन ऑफ भोजपुरी सिनेमा के नाम से फेमस रानी चैटर्जी इन दिनों अपने एक गाने के कारण सुर्खियों में है। दरअसल रानी चैटर्जी का पहला भोजपुरी म्यूजिक वीडियो आई लव यू उनके यूट्यूब चैनल रानी चैटर्जी एंटरटेनमेंट पर रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में रानी एक्टर सौरभ राय के साथ प्यार में पागल नजर आ रही है। वही इस गाने ने आते ही धमाल मचा दी है। कॉमेडियन सिद्धार्थ के गायब होने में आया एक नया मोड़। कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। ऐसे में सिद्धार्थ की मां अलका सागर ने बेटे के आरोप सुनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सिद्धार्थ की मां बेटे के इल्जामों से बेहद आहत और दुखी है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ की मां ने बेटे के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अलका ने बताया कि उनका बेटा ड्रग्स के नशे में इस कदर फंस चुका है कि उसे जरा सा भी रोका टोकी पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, अलका ने बताया कि सिद्धार्थ बात बात पर इस कदर चढ़ जाता है कि मारपीट पर उतर आता है। टीवी की हॉट एक्ट्रेस निया शर्मा बॉलीवुड में कर रही है एंट्री। लोकप्रिय टीवी शो जमाई राजा से फेमस होने वाली निया शर्मा बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक विक्रम भट्ट ने फिल्म थ्रिलर के लिए निया शर्मा को साइन कर लिया है और निया इसमें लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि और डिटेल अभी नहीं पता चल सकी है, लेकिन इस फिल्म से उनकी बॉलीवुड में पूरी तरह से एंट्री हो जाएगी। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और एक्स भाभी जी शिल्पा शिंदे एक वेब सीरीज में साथ नजर आएंगे। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर एक बार फिर से फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार उनके साथ कपिल शर्मा नहीं बल्कि एक्स भाभी जी और बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे होंगी। इस वेब सीरीज का टाइटल है दन दनादन। शो का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जा चुका है, जिसे शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। इस फर्स्ट लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें ये शो आईपीएल पर आधारित है। तो फिल्मी चुस्की में आज बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ चटपटी खबरों के साथ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत न्यूज़.इन।